Hello everyone, how are you? Welcome to the session on English grammar and its usage, the part of business communication for the purpose of CSWET. I believe this is also prescribed for various competitive and professional examination, entrance examinations. So we are going to see today the topic of this English grammar today is parts of speech. Parts of speech, nouns, pronouns, verbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. अभी इसकी हम बात करेंगे तो आठ टाइप के पार्ट्स है इसके. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? आठ टाइप. स्पीच मतलब वर्ड्स. इसी का हम अभी हर एक के बारे में, नाउंस, प्रोनाउंस, वर्ब्स, ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे हिंदी में. वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी दैट नाउंस किस टाइप के होते हैं और कैसे वर्ड में, कैसे सेंटेंस में यूज में आते हैं. तो नाउंस, अ नाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज एज द नेम ऑफ एनीथिंग. एक नाम रखा है. सो स्पेशल नेम हम देते हैं, लाइक द वर्क ऑफ नाउन इज टू नेम. रामा, मोहन, दिल्ली, पुणे आर द नाउन्स. इसका कार्य है नाम देना है. रामा, मोहन, दिल्ली, पुणे, ये सभी नाउन्स में आते हैं. अगर इसके टाइप्स की हम बात करें, नाउन्स के टाइप्स की हम बात करें, काइंड्स ऑफ नाउन्स की हम बात करें, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन जो अभी हमने देखा, स्पेशल नेम्स आर गिवन. स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस क्या हो गया? गोविंद राज, पुणे, नागपुर, चेन्नई, ये प्लेस के स्पेशल नेम हो गए. आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या हो गया? इजी हो गया. कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन कौन से है? इट इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड. पर्सन ऑफ सेम काइंड और थिंग ऑफ सेम काइंड. और क्लास, लाइक बॉय, शॉप, मार्केट, टाउन, कंट्री. लाइक मार्केट की बात करें तो मार्केट में क्या होता है? एवरीवेयर यू विल फाइंड सेम टाइप ऑफ मार्केट्स. मार्केट्स में क्या होता है? सेलर, बायर एंड आर्टिकल्स, थिंग्स आर केप्ट. सो वेंडर है, सेलर है, बायर है एंड थिंग्स आर केप्ट फॉर सेल, जो सेल के लिए जो मटेरियल रखा है. तो इसी टाइप का ये टाउन की अगर बात करें तो एक टाउन जो होता है, फिक्स टाउन होता है. डिफरेंट टाउन्स आर देयर. सो टाउन्स फॉर पीपल का जो टाउन्स बनता है. सो दैट इज़ हाउ ये हो गया कॉमन. कॉमन नाउन से बुलाया जाता है. एब्स्ट्रैक्ट में क्या है? वी कैन नॉट सी इट, बट समथिंग दैट कैन ओनली थिंक ऑफ सच एज होप है, स्वीटनेस है, ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी कॉल इट लाइक दैट. सो ऑनेस्टी वी कैन सी इट, वी कैन टच इट, बट फीलिंग इज देयर. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो पार्ट हो गया. प्रोनाउंस की अगर हम बात करें, नाउन्स अगर हमने देख लिया, नाउन्स हमको पता है कि स्पेशल एक नाम दिया है, पर्टिकुलर पर्सन दिया है, पर्टिकुलर पर्सन को और थिंग को एक नाम दिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो ईजी हो गया. और कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी हमने अभी देखा है. अभी हम प्रोनाउंस की अगर बात करें तो नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज हम यूज करते हैं, बिकॉज नाउन एवरीवेयर. आप अगर 10 बार एक ही नाम लेंगे तो इट वॉन्ट फिट, इट वॉन्ट बी सुटेबल, इट वॉन्ट बी एडवाइजेबल. तो हम क्या करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, मतलब संज्ञा नाम के स्थान पर होता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं. बिकॉज वर्ड्स विच आर यूज फॉर इंस्टेड ऑफ नाउन्स आर नोन एज प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल प्रोनाउंस की अगर बात करें तो पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हो गए? आई, यू, ही, शी, इट, हिम, दे, ये हो गए पर्सनल प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की हम बात करें. प्रोनाउंस हमने जान लिया. प्रोनाउंस का मतलब है कि जो नाउन की जगह जो वर्ड्स आते हैं वो प्रोनाउन है, जो उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, मतलब सर्वनाम कहते हैं. और वो किस टाइप के? तीन टाइप के. तीन टाइप में पर्सनल मतलब आई, ये यहाँ पे जो हमने किया है आई, वी, ही, शी, इट, देम. सिमिलरली रिलेटिव, रिलेटिव की अगर हम बात करें तो कैसे आएंगे? रिलेटिव में कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को, जो कनेक्ट भी करते हैं वो हु, विच, दैट, हुम, ये आएंगे रिलेटिव में. और पजेसिव में दैट शोज पजेशन, मीन्स किसका है वो, कोई चीज है जो, वो किसकी है. इट इज हीज कार, जैसे हम बात करते हैं हीज कार, मतलब कार किसकी है? हीज कार. सो लाइक दैट. वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस, एक्शन बताता है, वो एक्शन पे चलता है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस. इट इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन. इट टेल्स समथिंग अबाउट व्हाट सच अ थिंग और पर्सन, व्हाट इज डन टू हिम, व्हाट अ पर्सन, मतलब इसके बारे में क्या बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ जानकारी देता है, मतलब क्या एक्शन चल रही है. तो वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंस है. वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस. उसके ऊपर एक्शन चलती है, उसी से सम सेंटेंस कंप्लीट होता है. टू गिव एन एग्जांपल, राजू इज वॉकिंग, राजू चल रहा है.
ही इज बिटन, उसको मारा है, मतलब उसने मार खाया है, दे फेल्ट सैड, उनको बुरा लगा है, ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा, द काउ हैज बीन फाउंड, सब में एक्शन है, सब में एक्शन है, वर्ब है, वर्ब के साथ एक्शन बता रहे हैं, तो अभी वर्ब इज हैविंग दैट मच इंपॉर्टेंस. वर्ब का अगर हम बात करेंगे, टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, एक है ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब है कि ऑब्जेक्ट उसके लिए जरूरी है, ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स. इसका मतलब यह है, द बॉय मेड अ पिक्चर, द बॉय मेड अ पिक्चर, लड़के ने पिक्चर बनाया, राजू ओपन द डोर, शी राइट्स नॉवेल. ठीक है, इस तीनों चीज़ों में हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर हम इनकम्प्लीट करते हैं, द बॉय मेड, सपोज हियर इट इज द बॉय मेड अ पिक्चर, तो कंप्लीट हो गया, राजू ओपन द डोर, शी राइट्स पोएम, शी राइट्स बट वॉट नॉवेल, नॉट नोटबुक, नॉट होमवर्क. सो दिस इज हाउ कंप्लीट हो गया. इंट्रेंजेटिव वर्ब्स में द वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, मतलब उसमें बगैर ऑब्जेक्ट के भी उसका मीनिंग पूरा हो जाता है. तो द बॉय क्राइड, द मैन लाफ्ड, मोहन इज गोइंग, मोहन गोज, समथिंग लाइक दैट. सो इसमें इन केसेस में एक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हुआ, ये है इनट्रांजिटिव वर्ब्स. एडवर्ब, एडवर्ब जो है वो क्या करता है, इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. वर्ब हमने देखा, वर्ब में हमने क्या देखा, एक्शन होती है, उसी को और इसमें ऐड किया जाता है. एक्शन में क्या है, वर्ब है, वर्ब गोज है, ही गोज के साथ गोज आता है, आई गो, आई एम गोइंग, इनके साथ जो है वो अभी क्रिया विशेषण जो एडवर्ब है वो किस तरह से काम आएगा हम देखेंगे. चार काइंड्स है इसके एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है, मैनर इज समथिंग लाइक, इट सेज दैट सम एक्शन इज डन इन द मैनर, वो मैनर में वो एक्शन, ही राइट्स बैडली, राजू स्पेंड हिज सैलरी फुलिशली, राजू ने अपनी सैलरी फुलिशली स्पेंड करी, दे स्पोक क्वाइटली, उन्होंने शांति से बात करी, उन्होंने क्वाइटली बात करी. तो इसमें मैनर बताया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहेंगे मैनर. जब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की बात आती है तो इट शोज सम एक्शन इज डन वेयर सम एक्शन इज डन. द बस स्टॉप्स देयर और हियर, द बस स्टॉप्स हियर, द बस स्टॉप्स देयर, माई ब्रदर हैज गॉन आउट, He has gone out. Out बताया यहाँ पे. Here it is out. Okay. And he sat inside. अंदर बैठा है. So that is how. कहाँ पे? Inside. These are the place adverbs of place. अभी देखिए इसमें verb तो है साथ में adverb भी है. तो it is like adverb of place हो गया. Adverb of time. Adverbs of time में क्या बताएगा आपको? These adverbs show when some action is done. कब ये एक्शन हो रही है, दे विल नाउ बिगिन टू वर्क, नाउ आ गया, तो नाउ बिगिन टू वर्क इज द थिंग, नाउ आ गया. फिर शी इज गोइंग टू कोलकाता शॉर्टली आ गया, फॉर्मरली वी लिव्ड इन मुंबई. ये तीनों जो है ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहे आपको, टाइम. एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री में क्या है, किस टाइप का वर्ब, तो एडजेक्टिव्स के बारे में ज़्यादा जानकारी. एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, द बॉय वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, द एग्जामिनेशन पेपर वॉज क्वाइट ईजी. तो ये क्या हो गया, हमने बताया कि ये जो है ये वर्ब के साथ क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, मतलब ज़्यादा जानकारी उसमें मिल रही है. वेरी ब्यूटीफुल, हाउ वॉज इट, It was very beautiful. Almost angry. तो ये हो गया adverbs of degree. Adjectives, अभी हमने देखा adjectives जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अभी adverb हमने देखा, adjective जो होते हैं वो होते हैं something to the meaning of noun. Add meaning of noun. Adjectives describe a person, place, animal or thing. Which the noun names. Adjectives tell number
और क्वांटिटी। तो अभी इतनी सब बातें हम एडजेक्टिव्स के बारे में करेंगे। एडजेक्टिव्स आल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू शो द क्वालिटीज ऑफ नाउन, व्हेन इट शोज टू समथिंग एक्स्ट्रा, और एंड उसी से उसका ब्यूटी सेंटेंस की आती है उसमें। गोपाल इज एन ऑनेस्ट बॉय, गोपाल के बारे में कुछ बताना है मुझे तो मैं क्या बताऊंगा, गोपाल बहुत ही ऑनेस्ट है। सो हियर चेन्नई इज अ बिग सिटी, चेन्नई इज अ बिग सिटी, सो दीज आर दी थिंग्स आई कैन शो, आई कैन एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन गो एंड मीनिंग उसका मेरा जो है वो इट डिस्क्राइब द पर्सन किस टाइप का है क्या है। एडजेक्टिव्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। काइंड्स क्या है इसके, दो इंपॉर्टेंट काइंड्स है, क्वालिटी क्वांटिटी, क्वालिटी क्वांटिटी। क्वालिटी में हम बताएंगे किस टाइप का पर्सन है, क्वांटिटी में हम बताएंगे कि कितनी चीज है क्या क्या है। क्वालिटी में हम बताएंगे कि काइंड ऑफ पर्सन और थिंग कैसी है। लेजी बॉय, बॉयज लेजी, बिग सिटी, काइंड हार्टेड किंग, किंग कैसा है काइंड हार्टेड है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, किंग इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, नासिक इज अ बिग सिटी, नासिक इज अ वंडरफुल सिटी, आई नो अ लेजी बॉय और आई कैन से दैट आई नो अ ब्रिलियंट बॉय। तो व्हाट इज दैट क्वालिटी, क्वालिटी बताता है। और क्वांटिटी के बारे में बात करें तो शी वांट सम मनी, सम इज देयर सम आ गया। मेनी बुक्स, शी रोट मेनी बुक्स, 50, हियर इट इज 50, ही इज 50 ईयर्स ऑफ एज एंड आई मेड फाइव गोल्स। कितने गोल्स किया मैंने, पांच गोल किसके बावजूद, सिकनेस के बावजूद। तो ये पांच जो है ये एडजेक्टिव्स में आ गया, मेनी आ गया, सम आ गया, 50 आ गया। सिमिलरली इधर क्वालिटीज में हम देखें लेजी, बिग, काइंड हार्टेड एंड ऑल दिस। प्रेपोजिशंस, अनदर थिंग इज दैट प्रेपोजिशंस ये इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉइंटिंग आउट सर्टन थिंग्स, प्लेस एंड टाइम एंड ऑल अदर थिंग्स। यह शब्द है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। इट इज प्लेस टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन इंडिकेटेड बाय द नाउन स्टैंड्स टू समथिंग एल्स। प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ प्लेस टाइम। प्रेपोजिशन स्थान समय आदि के संदर्भ में संबंध दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन, अभी ऑन की मैं बात करूं तो ऑन मीन्स द बुक इज ऑन द टेबल, द नोटबुक इज ऑन द टेबल, नोट टेबल पे नोटबुक रखा है, मतलब ऑन द टेबल मीन्स इट इज टचिंग द टेबल, मैंने रखा है टेबल पे, और द बुक इज ऑन द टेबल। ब्रदर इज नॉट एट होम, एट अगेन एट होम, ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, ही लिव्स अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार वो रहता है, अक्रॉस द रिवर। शी केम विथ मी, ही वॉज अमॉन्ग द क्राउड। ये प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस है। लाइक द मोर वी रीड द बुक्स और लाइक मोर वी रीड यू नो इंग्लिश बुक्स एंड अदर थिंग्स, इट इज लाइक ongoing things that immediately you know you don't have to study extra, but the point is that exact prepositions, use of exact preposition is very important when it comes to building the sentence. इसीलिए the notebook is on the table, ये नहीं है कि the notebook is in the table, the notebook is over the table. Over के लिए थोड़ा gap चाहिए जो चीज है, इसमें the notebook is on the table, it is kept on the table, like that prepositions are required. Conjunctions joins words or sentences together, and we all know हम लोग day to day practice में इसको बहुत use में लाते हैं, and, or, but, because, else, till, until, unless, ये सभी जो है conjunctions है, इनके ये सभी conjunctions है। और इनके जो examples के अगर हम बात करें तो I called them but they did not hear, I waited till the bus arrived,
शी इज अ क्लेवर बट लेजी गर्ल, आइदर यू और आई मस्ट अटेंड। हमने हर जगह इसको दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, तो इसीलिए ये कन्वेंशन है। एंड इंटरजेक्शंस का उपयोग जो है वो कैसे होता है, इट शोज सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड ऑफ स्ट्रांग इमोशन सडनली, जैसे कि हमने बात करी है ओ लास ब्राउ आ ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस अलास वी लॉस्ट द मैच आवर टीम हैज वन द वर्ल्ड कप, ये हैप्पीनेस है। लास्ट वन इज विथ हैप्पीनेस, सेकंड इज विथ सैडनेस एंड ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस वंडरफुल प्लेस हैप्पीनेस। जब फीलिंग एक्सप्रेस करना है देन दिस टाइप ऑफ दिस इज यूज्ड, ओके दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर दैट। दिस इज अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ वी आर गोइंग टू सी द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ए एंड एंड डी तीन आर्टिकल्स हैं। तीन आर्टिकल्स के बारे में हमको पहले से जानकारी है बट वी आर टेकिंग मोर इन्फॉर्मेशन और वी आर रिवाइजिंग इट, बस ये समझ के चलिए। वेन स्पीकिंग ऑफ अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जनरली द आर्टिकल ए और एन इज यूज, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रेफर कर रहे हैं, बट सेकेंड टाइम ऑफ सेम पर्सन के बारे में, सेम काइंड के बारे में बात करें तो दी आ जाएगा। अ मैन मेट अ बॉय विद अ हॉर्स, द मैन सॉ द बॉय फील द हॉर्स, ये जनरल रूल है, ये इसमें ये नहीं है। द आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से है, ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दिस आर्टिकल्स जनरली डू नॉट पॉइंट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दे हैव इनडेफिनेट थिंग और पर्सन स्पोकन ऑफ। सपोजिंग एक जस्ट डेफिनेट नहीं है, मान लो कोई ये नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल एन एडवोकेट, एक ऐसी चीज है कॉमन बता रहे और एक बता रहे, एनी डॉक्टर, ही कैन बी एनी डॉक्टर। सो ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। दीज आर्टिकल्स आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, अ चेयर अ टेबल अ कार एन एप्पल एन ऑरेंज अ बुक, I am giving you a book. It means any book. Any book not, I am not book. I am saying I am giving you a book, I am giving you one book. So singular countable nouns. And then an is used before a word beginning with a vowel sound. This is very important. Vowel sound ke saath hona chahiye. Sound ए ई आई ओ यू तो सही है बट साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट और अ साइलेंट एच इन दैट थिंग एन ऑफिस एन आवर एन ऑरेंज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय एन एप्पल एन ऑनेस्ट की हम बात करते ही इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय हम बात करेंगे एन ऑफिस एन आवर एन ऑरेंज दिस इज बिगिनिंग विथ वोवल साउंड ये उसमें है। सिमिलरली साइलेंट एच किस में, ऑनेस्ट में, एंड ऑनेस्ट एंड आवर एंड आवर, ठीक है, रेस्ट तो ए आई ओ यू है। देन डेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो द आर्टिकल दी हैज दी इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनअकाउंटेबल नाउन्स द आइडिया द पेन द मिल्क। Use of these made before common nouns which are names unique है, unique names are there, दूसरा नहीं है, तो the sky, the earth, the sun, the moon, and the articles are not used before proper or abstract noun. Raju is a clever boy, it means Raju के पहले a नहीं आएगा, the नहीं आएगा, an नहीं आएगा, तो ये इसके common rules हैं, general rules हैं। With this I think we have completed so far as parts of speech and article, these two topics, and rest active passive voice, tenses and other topics we are taking in chapter, we are taking in part 2. Okay, thank you so much.